नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव, इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के 90 के दशक के एक्टर दीपक तिजोरी की बेटी समारा अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। बता दें कि दीपक तिजोरी ने कई फिल्मों में हीरो का तो कई में विलेन का किरदार निभाया है। अब वो पिछले लंबे समय से इंडस्ट्री से दूर हैं। हालांकि उनकी बेटी समारा सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं, अपने फोटोज से फैंस का दिल जीतती रहती हैं। बता दें समारा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। मालूम हो कि समारा तिजोरी अपने बेबाक अंदाज के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 15,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फैंस संग फोटो शूट्स, वीडियो और पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं। उन्हें अपने पर्सनल लाइफ अपडेट्स भी देती रहती हैं। समारा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। वो आजकल कुछ ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस भी ले रही हैं। दीपक तिजोरी की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। समारा तिजोरी इस समय 25 साल की हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ग्लैमरस के मामले में बाकी कई हसीनाओं को मात देती हैं। इनके दीवाने कई फैंस भी हैं। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर दीपक तिजोरी की बेटी समारा अपने बोल्ड लुक के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। समारा तिजोरी अपने बोल्ड लुक के चलते सोशल मीडिया की लोकप्रिय शख्सियतों में से एक हैं। फैंस उनके बॉलीवुड डेब्यू के बारे में भी लगातार पूछते रहते हैं। समारा अपने पिता दीपक तिजोरी की बेहद लाडली हैं। हालांकि वो ग्रैंड प्लान नाम की शॉर्ट फिल्म में नजर आ चुकी हैं। इसमें उनका एक लिप लॉक सीन भी बहुत चर्चा का विषय रहा था। समारा ने अपने पहली ही शॉर्ट मूवी में ये साबित कर दिया कि वो किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं, चाहे वो अनन्या पांडे हों या सारा अली खान। 13 साल की उम्र में समारा तिजोरी का अपहरण हो गया था। हालांकि समय रहते दीपक को किसी तरह से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से उन्होंने उन्हें बचा लिया। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ढिशुम को समारा तिजोरी ने असिस्ट किया था। इस फिल्म में वरुण धवन और जॉन इब्राहिम नजर आए थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।